असा चादर बन के अगे चिट्टी चादर ला के पिछे बत्तियां लालटैना जला के ना एक दो रखने से तो उस साया चिट्टी दीवार से पैना सी अगे लाइटा अगे करने से तो उस पैना सी निके निके बच्चे बह के तकने से ताड़ियों हो जाने से उस वेले महल्ले च एक टीवी होना सी किसी ने घर असा ने भी घर कोई नहीं सी टीवी ना उन्हें तकिया माड़ा प्रोग्राम हाय हाय भूख बोई गई है आपके बरस भूख बोई गई है आपके बरस दांत उगाए हैं जमीनों में जिंदगी गांव की हसी लड़की जिंदगी गांव की हसी लड़की गिर गई है तमाशबीनों में बड़ी गहरी गल बहुत गहरी गल हो ते असा बाणनियां मंजियां खट्टां पर सैणे वाले लोग हां बिल्कुल हैं जी कुकर बांगी खाने वाले लोग हां कौडी खेडने वाले लोग हां खेड तमाशे दाना नी दौड़ ये मेले हां जी बिल्कुल हां शुरू अल्लाह पाक ने सोने सुचे ते खरे नायनल जड़ा वाहिद तमाम तारीफा ना मुस्तहिक है मारगला ने दामन तू किन्नी के जेलमनिया सोहनिया वादिया ने विशकार सोने खिता पठवारी च वसने आले पूरे पाकिस्तान ते वादी कश्मीर जन्नत नजीर च वसने आले ते सड़े दिलानी धड़कन ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया च वसने आले ओवरसीज पाकिस्तानिया की माड़ी तरफों दानिश अकरम राणा नी तरफों अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है खैरी मेरी हो राजी बाजी हो अल्लाह मल्लाह आंड गवान सज्जै खब्बै सावरै पे कै नानकै दात कै सारा खैर मेरी ना जी उम्मीद करने आ दुआ गोआ कि अल्लाह ताला ने फजल ते करम नाल फिट फाट हो सो मजे च हो सो ते सही खड़के हो सो ते सोने रब निया दितियां होईयां रहमतां ते नहमतां दो हत्थां नाल समेटने पे हो सो प्रोग्राम तुसां अपना अपनी बैठक ते असां नी इनफरादीए ते ही है कि असां बड़े सोहने सोहने मजमान की नहीं कि तुसां नी खिदमत च हाजिर होने आ ते अज नी किस्त ते नशिस्त माड़े आस्ते भी बड़ी खास है क्योंकि अज ने जेड़े मजमान है वो माड़े भी बड़े पसंदीदा है तुसां सारियां ने पसंदीदा है जी बिल्कुल ज़्यादा देर तुसां की इंतजार ना कराने और ऐसी मेहमान शख्सियत सोहनी शख्सियत साढ़े कोल मौजूद है जेड़े किसै तारुफ ना मोहताज नहीं और खिताए पठवारी च पूरे पाकिस्तान च और बिलखसूस इंग्लैंड और ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने ड्रामे उन्होंने शख्सियत तो बड़े मुतासर है और जी बिल्कुल तुसां ठीक गैस कीता माड़ी मुराद जेड़ी है वो पाकिस्तान ने नामवर सीनियर आर्टिस्ट जनाब शब्बीर मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम दानिश साहब के हाल खैरियत है मैं खैरी मेरी हाँ जी तो मिर्जा साहब आज बड़ी साड़ी खुशकिस्मती कि आज तुसां साड़ी अपनी बैठक च तशरीफ ले आए हो हाजिर हो बल्कि खाली साड़ी अपनी बैठक नहीं तुसानी भी अपनी बैठक है और सारे तके आ रहे हैं नहीं अपनी बैठक ही ये तो तुसानी जरा नवाजी है कि तुसा मैं फखर महसूस करना तुसा बुलाया मिकी इत्थे तो मैं बड़ा खुश हाँ कि तुसा बुलाया इत्थे तुसानु बहुत बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्ला ते मिर्जा जी सब तो पहले ते असा तुसानी शख्सियती पहलुआ बारे गल करसा फनी जिंदगी ने वाले ने भी गल करसा और सारे जड़े नाजरीन ने ओ तुसानी जाती जिंदगी तुसानी पेशावराना जिंदगी ने वाले ने जानना चाहसन जहरी गल है कि तुसा एक ऐसे दौर च अपने फनी कैरियर ना स्टार्ट कीता जिस टाइम एक चैनल होना सा ओ गल्लां बातां बतेरियां करसा बाद च लेकिन पहले ये जानना चाहसा कि तुसानी जम पल केड़े इलाके नहीं है केड़े स्कूल कॉलेज पढ़े हो ते कै मामलात रहे तुसाने माड़ी जंपल ते इत्थे पिंडी ने एक इलाका चंडा चेची मरीड ने नाल ग्रां सी उस वेले जिले असी छोटे से उत्थे माड़ी पैदाइश है तो चंडे ने एक टिब्बे स्कूल मैं पढ़िया वो प्राइमरी तक सी फिर इतू शिफ्ट किया मरीड़ा मिडल तक आया फिर मिडल करके तो फिर इतू शिफ्ट किया इत डैनीज हाई स्कूल सदर वाला जिला उत्थे पहुँच गया उतू फिर निकलिया तो गार्डन कॉलेज पहुँच गया लेकिन इस ड्रामे उत्थे भी ड्रामा होना सी ते ड्रामे वाले ऐसा मिक्स होया कि बस उत्ते ही लगे रहे जुबली हाल ड्रामे करने फंक्शन करने टीवी जाना तो बस वो दिन ते आज दिन चल सो चल है मिर्जा साहब आखिया जाना कि आर्टिस्ट जड़ा वा वो बनाया नहीं कशना पैदा होना तो तुसा की कदू पता लगा सा कि जनाब तुसाने अंदर तुसानी शख्सियत च भी एक ऐसा आर्टिस्ट मौजूद है जिसकी बाहर आना चाहिए ना ये माफ करना ये सच्ची गल है
कि आर्टिस्ट बनाया नहीं जाना, ओ पैदाशी है। ते मिगी तां पता लगा जिसले मैं बहुत निक्का से हां, ते असा ग्रां च उत्थे फिल्मां लाने वाले आने सने, पाकिस्तान नी सैर करो जी, ते तखो जी, ते ऐ इलाका उस बह के तकने रहने से, जमीन से बह के तक तक के, बस उतू कुछ इंस्पिरेशन मिली है, इंस्पायर हुए उतू। तो फिर असा शौक ये नहीं पता कि पैदाइशी सी या कितों आया, असा चादर बन के अगे चिट्टी चादर ला के, तो पिछे बत्तियां लालटैन जला के ना एक दो रखने से, तो उसने साया चिट्टी दीवार से पैना सी, अगे उसने लाइटा अगे करने से, तो उस कहना सी निके निके बच्चे बह के तकने से, ताड़ी हो जाने से, बस उतू फिर चल सो चल आए हाँ टी वी च आ गए। टी वी इतने नए फनकार से नवा नवा टी वी इस्लाम पिंडी जो शुरू होया से, तो उन्हें एक प्रोग्राम नवा शुरू किया कि जी नए फनकारों की जरूरत है। वाह, वो रोज़ एक इश्तहार चलना उसी के नए फनकारों की ज़रूरत है, आए इधर अपना दर्ज कराएं और ऑडिशन जिस दिन होगा आपको बुलाएंगे फलाना। फिर ऑडिशन दिन आ गया, फलाने दिन ऑडिशन है जी, तुसी आओ। अलग करू इजाजत मिली किसी के छपित गए सो सच्ची से जी दसे आज आपने करू छप के गया से ना जी। अच्छा। इतने जान देने सन कारल है असन, मेरी फैमिली और कोई भी नहीं सी हो बिजी च, ते वो मेरे एक दोस्त सन आगा खालिद जुबैर साहब जो पी एन सी एच पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स डांस डायरेक्टर भी रहे, थोड़े दिन हुए रिटायर हुए, ते वो आने जरा चलने आ। मैं उस थोड़ा बहुत गुनगुनाना भी होना सी ना नाल ड्रामा, ते खैर वो करने से पर्दियां थे, ते दोस्तों ने महफल बह के गा भी दिता, टेबल बजा के गा दिता, इस वक्त वो आने जरा चलो ऑडिशन दे जाने। वो मौसीकी ने प्रोग्राम से जो नए फनकार शुरू किया, वो मैं अस कौन पूछू, उत्थे बड़ी रश उसी असी गलियां च या बाथरूम गाने वाले हैं, तो असें कुछ किसे नहीं पूछना। वो आना चलो तो सही ने जी मिर्जा जी, मैं चलो गशने। वो मिगी नाल के नहीं गए, तो असी चकलाला नज़दीक ही सी चंडे ने, तो नज़दीक ही चकलाला उत्थे टी वी स्टेशन चले गए। उत्थे गए तो अगर दो 250 बंदा सी, असा आ गया आगा साहब चलो वापस चलने टाइम आना नहीं, बस अल्लाह ने करम किया, कोई माँ बाप नहीं दवावा, कोई दोस्तों नहीं, मेहनत सी, ते उस ऑडिशन में पास हो गया। वाह बेहतरीन बेहतरीन। उन आ गया जी त्री बंदे ने ना के इंसान बाकी चले गए छन, उन्हें गया सा फिर बुलासा, फिर दिल तक 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 तड़ गया। हाँ तड़ गया, तो खुशी भी सी कि त्री अज मेरा ना आ गया। फिर उन्हें आ गया जी जरा सा पहला प्रोग्राम करना, उसी पांच बंदे असें जेड़े सिलेक्ट किए न, वह सुन फिर बाकी जड़े ने सब पांच पांच करके सारे प्रोग्राम बुलासा उन्होंने, ये मौसीकी ना प्रोग्राम है। बहरहाल जल्द पंजा ना ना आया तो माड़ा भी ना से, वाह मेरा तो लाटरी निकली, लाटरी निकल आई कि ऐसा कि तो यकीन नहीं सी ना, इस ना यकीन नहीं सी कि ऐसा कोई इसी कर सा, कोई नहीं समझ आनी सी। खैर वो पहला प्रोग्राम उन्हें आया जी अपने अपने कोई जी शौक न, उसी कैद कोई नहीं सी कि जो मर्जी है फिल्मी गाओ या जो कुछ गाओ। वो मैं एक प्राइवेट जी गजल गालब साहब नहीं सी, वो मैं एवं याद सी, मैं अक्सर दोस्तों गाना भी होना सी, उसना सी घर जब बना लिया तेरे घर के कुछ इस तरह सी, उसने केड़े सन नी गल कोई याद ए सन 69 नी गल है। वाह 69 69 नी गल है, ते वो पहला प्रोग्राम लाइव सी, आज भी वो मंजर याद अशने पे किस 100% सर 100% मेरे उन तुसा नाल गल पा करना, तो मेरे जहन जो पूरा नक्शा कैसे गए हैं, तो उन्होंने कहा जी रिकॉर्डिंग नहीं होने लगी, लाइव प्रोग्राम है, 5 बजे लाइव हो सी। वाह जबरदस्त। चलो ये मुंतखब होने ना मरला ते तुसा अबूर करी जदू घर आए हो, सो एक उत्थै तो नवा मंजर होया उसी कि जाहिर गल है जेडे घर ले स्कूल कॉलेज भेजने पे
ते अम्मी अब्बा भी तो जहरी गल उन्हें ख्वाब तक यो सुन के पुत्र है कि असा कोई प्रोफेसर बना सा कोई डॉक्टर बना सा तो पुत्र गया ऑडिशन दे ते आ गया है तो गुलकार या अदाकार बन लगा तो वो एक नवी जंग हुई उसी वो कै किस तरह अबूर हुई ओ दालज साहब एक एडवांटेज ये सी कि उत्थे उस वेले महल्ले च एक टीवी होना सी बस ये खुशनसीबी समझो मेरी कि उस वेले टीवी दे टावे टावे घरे च होना सी महल च भावे एक महल च होना भी नहीं दुए महल जाके तकना पैना से इस वास्ते ना घर आया तकिया ना उन्हें मैंने पूछा उन्हें इतना पता सी कि मैं जल्द महल च कोई दोस्त यार नहीं शादी शुदी होनी सी गाना शाना उन्हें वो पता सी नहीं कि गाना शाना और भी आए सुन बच्चे सारे ये उन्हें पता सी कि गाना शाना है तो ये टीवी ने तो उन्हें पता नहीं लगा असा मैं खुद तके ही नहीं क्योंकि लाइव प्रोग्राम से आगा साहब अं क्या यार बाहर तखी ठीक आना पे नहीं ब्लैक एंड वाइट ना समाना सी तो इस तरह फिर चल सो चल फिर उससे दो महीने बाद यह एजाज हासिल है कि सलीम रजा मरहूम और मुनीर नियाजी मरहूम बहुत बड़े नान फिल्म इंडस्ट्री ने साढ़े पाकिस्तान ने उन्हें एक अगस्त प्रोग्राम किया तराने पढ़ने असं पिछे कोरस जड़ा शामिल हो गया उन्होंने उन्हें बुलाया टी वी वाले ते बड़े नमी नाल जो पैसे मिलने सा उस प्रोग्राम ना मैं याद है 20 रुपए का चेक मिले सा तकिया ये सवाल मैं पूछना सा तकिया एक तरह 10000 पहले दसी छोड़ा एक्सप्रेशन से उनके तुसा पूछना जाना सा अच्छा 20 रुपए मिले तो उस दौर च 20 रुपए वो 20 रुपए मुकले नहीं सुनते जी मिर्जा साहब आख्या जाना कि जड़ी फने अदाकारी नी दुनिया है गुलकारा नी दुनिया है ये बड़ी चक्का चौंद जी जिंदगी है इसने च बड़े मजे वे बड़िया याशियां या बड़े सोहने सोहने कपड़े वे अज भी माशाल्लाह सब बड़े सोहने लगने पे हो ते सोहने सोहने कपड़े वे पूरे मुल्कानी शहरानियां सैर सपाटे शख्सियात नाल मुलाकातां ते इस शोभे ने जरिए तुसां पाकिस्तान ना केड़ा केड़ा शहर तकिया या पाकिस्तान तो बहर केड़े केड़े मुल्क जाके फन अदाकारी ना मुजाहरा कीता गल ये जी कि वाकई जेड़े भी मेरे कदे दोस्त कोई शूटिंग तकने वास्ते आने तक नहीं आ एक तो बोर हो जाने क्योंकि असी तो यूज टू हाँ कि बहना है इंतजार करना है उस तू बाद रिकॉर्डिंग होसी कट होसी ये करो नहीं दोबारा करो तो वह बंदा नवा जड़े ना वो बोर आने यार तुस किस तरह करने हुए तो असी कहने यार असी इस तरीकाकार ही है तो वो ना वो आने यार कोई अजीब जी दुनिया है तुसा नहीं पता नहीं लगनी अच्छी दुनिया है बाहरों अच्छी लगनी है वो साढ़े असाजा कहने न सन के पुत्र शो बिजी च आने ने बहुत दरवाजे न शो बिजी जाने ने बहुत दरवाजे न वापसी ना दरवाजा कोई भी नहीं अल्लाह आखिया जाना कि जिस तरह सियासत ना एक नशा है कुर्सी ना एक नशा है इस तरह शोभा अदाकारी ना भी एक नशा है कि जो इस नशे नहीं लत बंदे की लगी जानी तो छुटनी नहीं सर वो तो कुर्सी ना तो कोई नशा ही नहीं जोड़ा ये नशा है वो कुर्सी ने भी परवाह नहीं होनी फिर जो जिसा यह लग जाए क्योंकि गल आ गई तो साढ़े एक उस्ताद सन असफर आलम साहब वो कहने सन यहाँ चूना मलिया जाना मेकअप कराने तो चूना आने चूना फिर लेना नहीं मूँह तो ये फिर लग जाना तो फिर नहीं लेना तो ना लवाने की कोशिश बंदा करना फिर वही तो मैं दसा ना कि इस कुर्सी तो बहुत बड़ा नशा है सर असी दुनिया देख के पागलों हर जो पागल हर काम कर रहे जी इस काम में और तलू उत्ते आए ते वो राज करके गए अच्छा इस अदाकारी इस नशे नी लाते च कुछ पाया वे कुछ खोया वे क्या सीखा वे जिंदगी तो दानिश साहब पाया तो बहुत कुछ है मैं एक दफ़ा जो शुरू ना दो जरा सख्त होना बंदे थे कम नहीं मिलना कट मिलना थोड़े पैसे मतलब कि जिस वे आदमी किसी फ्रेम च नहीं आना उस वे डटे डोले ही खाना रहना तो मैंने चांस मिल गया मस्कत ना तो मस्कत में टेस्ट दिता तो पास हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही चला गया कैम बॉस बन गए नौकरी लगी नौकरी लग गई आख्या जाना साहब पक्के नौकर हो गए हाँ पक्के नौकर हो गए वो रहा तो है पर मेरा ध्यान फिर पिछे ही उत्थे पांच महीने बाद छुट्टी होनी सी साल ही दो छुट्टियां होनी सी तुसी पांच महीने बाद करो या दस महीने बाद दो महीने नहीं लै लो लेकिन टिकट दोवां छुट्टियां ने होना सी ओ
इतने आना से मगजी जो ड्रामा ही बोले तो टीवी बैठे रहने से घर आए आखिर तू छुट्टी है ऐसा ना बह होने महीने बाद चला से महीना गुजरने पता नहीं लगना। मैं क्या मैं इस इतना मिस करना इतने कि तुसा नहीं सोच सकने। तो मैं उन्होंने तो छुट्टी मुकनी फिर जल्द वापस जाने से फिर हो गई तो असा एक दोस्त सन तनवीर ख्वाजा साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट सन स्टेज तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट सन फौत हो गए अल्लाह करी के रहमत करे। वह भी इतफाक नाल मिनिस्ट्री ऑफ उसी सन टेक्निकल सी कोई उन्होंने मिनिस्ट्री उसी चो गए सन तो वह इतफाक है कि जिसल मेरी उन्होंने मुलाकात हुई तो वह मेरी मिनिस्ट्री कैंप पिछू इतना फासला जी जितना बस चार पाँच किलोमीटर ना फासला। तो मैंने थोड़ा एडवांटेज है गड्डी मेरे को होनी सी चौबी घंटे मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ने लसेंस बन गया सी तो मैं वीकेंड दे ना इंतजार करना उस वीकेंड आवे तो मैं ख्वाजा साहब को जावा यार। तो मैं जाके उत्थे उस घर मिले उसी फैमिली वास्ते भी तो फैमिली भी उसनी आनी सी उत्थे जाके बहना ना जी दानिश साहब तो ड्रामे अल्लाह अकबर सारी रात असं ड्रामे दल कर रहे थे और फलाना ड्रामा नहीं होया फलाना नहीं टीवी तक किया लियाकत हाल फलाना ड्रामा नहीं उस होया सुबह तक सुबह नहीं नमाज पढ़ के फिर सहने से सहने के से फिर थोड़ी जी देर लेट के तो उठ के तो नाश्ता किया तो फिर वीकेंड खत्म होया तो मैं अपने कम से तो अपने काम से यानी फिर मस्कत वाली नौकरी तुसा कुर्बान कर वो छोड़ देती जी। फिर इतने आना से वो बड़ा होना सी फिर उतू मैं तकरीबन पाँच साढ़े पाँच साल बाद ना छोड़ के आ गया से। अच्छा ये दसो कि तुसा मुख्तलिफ किरदार किते अज तक एक ऐसा कोई किरदार दसो जड़ा तुसा समझा हुआ है कि इसकी कोई बीट नहीं करी सकया बहु मजा आया हुआ है तुसा इंजॉय किया हुआ है तुसा आख्या हुआ है कि ये किरदार शब्बीर मिर्जा की सूट करना। ये राय जी बड़ा मुश्किल सवाल करी सटे सोचो सोचो वैसे मैं तो तुसा की मुख्तलिफ किरदार तक तुसा जेडे सीरियस किरदार है वह भी बड़े अच्छे निभाने हो तुसा ने अंदर तंज मजा ना जड़ा आंसर है वह भी मौजूद है ते ये बड़ा हसीन इम्तजाज है कि तुसा इस तरह सीरियस अदाकारी भी करी किन्ने हो और पठवारी ड्रामे विच तुसा तंज़ो मज़ा ले किरदार भी करी किन्ने हो। दानिश साहब सारे बेस्ट जिसते जड़ा दिल ला मैं दसके दसा कि किरदार कोई भी होवे ना जिस वे उसी करो नवा ही है तुसा वास्ते ठीक है उसका एक नवा शेड देना पैना मेहनत करनी पैनी तो एक पसंदीदा होना है जहन बंदे ने कि यार ये जहाँ कोई करैक्टर मिले तो मैं करा लेकिन वो मुश्किल ना मिलना मिलना भी नहीं जिस तरह मैं चाहना कि मैं कोई उस नैगेटिव जो फकीर बने ना दो नंबर ये जहाँ कोई करैक्टर करा दो नंबर के जिसने सही अंदर ना आर्टिस्ट दसो तुम कि ये करैक्टर होने जल्दी आवाम भी चले जाने क्योंकि उन्होंने अवामी करैक्टर उन्होंने भी चिन्ह होंगे ने ना जिन्हें कि पसंद करने जो तुसा कोई नैगेटिव नफरत करने हो तो तुसा स्क्रीन से तुसा चपेड़ मारो तो तुसा कि बड़े लोग अप्रीशिएट कर सकते यार बिल्कुल सही किया जिसने इस मारने पैण यानी जितना हीरो की पसंद किया गया उतना ही विलन की भी पसंद विलन की ज्यादा विलन ज्यादा रजिस्टर होना है एकदम। अच्छा ये दसो कि जिंदगी भी तकरीबन हर बंदा ही अदाकारी करना किसी जगह कोई बाप नहीं अदाकारी करना पाया किसी जगह कोई बेटे नहीं अदाकारी करना पाया किसी जगह दफ्तर जाके अदाकारी करनी पैनी हकीकी जिंदगी भी कद अदाकारी ने मौका मिले कि तुसा आख्या हुआ है कि अज अदाकारी करी तो बड़ा फायदा मिले इस तरह की सिचुएशन अच्छी जिंदगी नहीं कद भी नहीं आई नहीं लेकिन लोगों ने इतनी मोहब्बत होनी कि वो करनी नहीं करनी ही नहीं पैनी कई दफा होया इतफाक के सिरगड़ कि दे या कोल्ड ड्रिंक पीती तो उन्होंने पैसे कि दे नहीं जी रहन दो तुसा के पे करने जी नहीं कोई जरूरत नहीं तो ये जड़ा है इस इतने अदाकारी करने की जरूरत है बेहतरीन। तो हम थोड़े जे नेड़े आओ एक अंदर नहीं गल तुसें दसन लगे हाँ साढ़े कोल एक उडरनी चीड़ी है उस बड़ी अंदर नहीं खबर आती अंदर नहीं खबर मिर्जा जी तुसने घरों निकली के आई खबर यह है कि मिर्जा और घर भी कुकिंग बड़ी अच्छी करने और बड़े मजे मजे दी चीज़ा पकाने मुसरत नज़ीर और आखने से कि चिट्टा कुकड़ बनेरे ते तो आखने मिर्जा और चिट्टा कुकड़ कढ़ाई भी बड़ा सोहना बनाने
इसने पीछे क्या हकीकत दी थी? गल असी कम करने ने एक टीम वर्क ही होना सारा इन मैं कार भी कदे कदे करना कुकिंग लेकिन टीम इज मैं ज्यादा करना बाहर गसने जिस वेले लंदन इज बहुत करना तो वो हूँ यह है कि इन्हों की मतदान ये करने के बड़ा अच्छा यही आने बड़ा अच्छा मेहनत है मतलब अपनी तो भूख ही मारी जानी पकाने वाले नहीं भूख मारी जानी आने तुसे करेले गोश भी बहुत करेले गोश भी एक दफा बड़ा वाक्य है ना कि साढ़े दोस्त नुची साहब नुसरत महमूद उन्होंने घर च असी करने होने से महफल महीने च एक दफा फिर किधरे और करना है सारे ने फिर गिनप करेले गोश्त उसने घर आ गया नंबर करेलिया गोश्त ना तो पकाना भी उत्थे सी उस सुहेल अहमद साहब ने दावत दे दी थी आर्टिस्ट जड़े सुहेल अहमद लाहौर आए वो ऑलरेडी आने पे सन पिंडी तुम आया जी वो खाना तुम कि रस्ते च भी नहीं खाना मेरे घर आके खाना है तुसा करेले गोश्त असी पका रहे उन्हें आखिया यार नुसरत तुसा पिंडी वाले कितने पता है करेले गोश्त कई चीज होनी वाह वाह करेले गोश्त ते वो आ गए जी आए लेट इन थोड़ा लेट हो गए सन लाहौर तू पे आने सन तकरीबन अस बंदे खा चुके सन बल्कि खाने पे से तू आ गए एंड ते सी उन्होंने क्योंकि अस रखे बचा के दो त्रै डोंगे वो खा गए वाह वो फिर उठ के मन कह लगे यार तेरी बड़ी मेहरबानी मैं एवं मेरे मुँह निकल गया सी पिंडी वाले की नहीं पता करेले गोश्त ने लेकिन तू याद करा दे करेले गोश्त किस तरह पकने असा भी अच्छी है फिर कुकर बांगी खाने थे आओ ना जी सो बिस्मिल्ला करके ओवरसीज पाकिस्तानी तकने पे तुमना की फिर हुन जिस दिन असा बैस हां तो तुसा कोलो सोना जा कुकर बांगी पकाने नहीं रेसिपी भी पूछा हो तको ना इंग्लैंड च बैठियां साडियां भैणां ते भजाइयां तो आखणियां भई असा की दसो देसी कुकर किस तरह स्वाद दा बणदा मैं फारूक साहब उहनां नाल दो त्रै चार दफा गए असी ते उत्थे इन्होंने कुकिंग मैं ही करना होना सी पूरी मतलब कि बाई बंदे हो जाने सन पंजी बंदे हो जाने सन उत्थे दोस्त आ जाने सन ते उत्थे सारे बेचारे ठीक है मोहब्बत भी करने सन ते उल्टा इन्हें मेरा ना पाता है वो फारूक साहब उन्हें कि आने सन वो जो इंग्लैंड ने लोग सन कि ये मिर्जा नहीं है असली फूफी है अच्छा इन्होंने मैंने फूफी बना दिया मैं चलो ठीक है इसे बहाने एक खिदमत का जज्बा होना कि यार करना इन्हें परदेश बंदा उन भी जरा अच्छा लगना कि किसी ने खिदमत अपने काम काम आओ बिल्कुल अच्छा मिर्जा साहब ओवरसीज पाकिस्तानिया ने जिक्र होया बिलखसूस इंग्लैंड जड़ा वा वो पठवारी जुबान बड़ी पसंद की जानी खिते पठवार नाल तालुक रखने वाले कश्मीर नाल तालुक रखने वाले पाकिस्तान पूरे नाल ही तालुक रखने वाले इंग्लैंड बहुत बड़ी कम्यूनिटी आबाद है तो वह पाकिस्तानी चैनल पाकिस्तानी ड्रामे बिलखसूस पठवारी जड़ा टैलेंट आ बड़ा पसंद करने तो तुसा भी पठवारी बहुत सारिया टैलीफिल्मा कीतियां इंग्लैंड भी काफ़ी दफा गए हो तो उत्थे नहीं जी ऑडियंस होनी उन्होंने रिस्पॉन्स कैसा होना बहुत जबरदस्त मैं तुसें के दसा कि इतनी मुहब्बत कर रहे कि एक दफा मैं वो गया से उत्थे एक दोस्त सन साढ़े वो भी ड्रामा शामा उत्थे कर बनाने सन छोटियां छोटी फिल्म वो मैंने एक संडे लगने ना बाजार उत्थे लै गए दानिश साहब वो परेशान हो गए कि वह पहली दफा मेरे नाल ऐसा गए कि आओ जी तू कुछ चीज़ा लै लें फ्रूट शूट लै लें तो है वो बाजार जो लगना हर चीज़ उसी होनी है एक साइड से बड़ी बड़ा ग्राउंड है बूट सेल टाइप ना दे वो मैं गया तो पहले ही बंदा मिले ना उस रखी सन जीन या पेंटा बेचना सी शर्टा बेचना पे सी वो अपने बंदे बुलाया कहना इन्हों की वेस्ट तक कितनी है तो पेंटा कट गया आन दे ये तो वो वेस्ट तक ही माड़ी तो चौंती सी ते उस आगे चौंती नहीं त्रै चार रंगा नहीं जीन्स कट के आन अज ने देने मतलब जा नहीं सकते तो हम जा नहीं सकने वो बंदा मुड़ के आया अनलक्की कह रहा कि वो कह लगा चौंती नंबर बिकी गया सारा मैं कह रहा ठीक है पर तेरी तेरी चौंती नंबर पहुंच गई वाह ये मोहब्बत ही है मोहब्बत है जी और फिर जो नाल वाले बंदे सन उन्होंने कुछ किसी ने 36 किसी ने 37 मैं क्या
मेरी पिंड इन्हें की छत्ती छत्ती नंबर वाली दे दो। तो इस तरह लोग मुहब्बत करने ने वल्ला के मैं जिस रेस्टोरेंट कद गया ना पैसे उन्होंने नहीं कि वाह। यानी अगर गल करिए कि शोभा अदाकारी तुसां की बहुत कुछ दिता बेशक किसी कोई शक नहीं जिथे इज्जत दौलत शोहरत दिती उथे लोगों ने मुहब्बत भी मिली बहुत मुहब्बत दिती मुहब्बत बहुत ज्यादा दिती सर। ते हुण इसे नाल जोड़मा एक और सवाल आया कि जिथे इतनी इज्जत भी मिली दौलत भी मिली शोहरत भी मिली शौक भी पूरा किया वे जाहिर गल इसे शौक ही चाहे सो कोई ऐसा जिंदगी ना लम्हा कोई रिग्रैक्ट कोई अफसोस जेड़ा अज तक दिल च बाकी रही गया वै कोई अफसोस जड़ा दिल विच रही गया वै कोई अफसोस किसी ने वजह तो नहीं होया। मैं एक दफा लंडन गया से कोई 2005 की गल है तो मेरी डेली वालदा नाल गल होनी सी फोन से सुबह उठ के मैं उन्हें पहले फोन करना सी क्योंकि टाइम ना फर्क सी जल्द उत्थे सुबह होनी सी तो इतने इन्होंने 11-12 बज जाने सन तो मैं वालदा नाल गल करनी सारी तो वह कहनी ठीक है मैं दुआ भी करनी है पुत्र तेरे वास्ते तू खैरी न रह तो कदू आसें तो ये रोज़ यही गल होनी सी। उस दिन मैं जिसले सुबह उठाया ना जी 2005 जून से ते पहली जल्द घंटी बजी तो मेरा भतीजा बोल रहा सी कि कहना जी बेजी नहीं डैथ हो गई। उस घर कोई 5-6 बंदे रहने सो ड्रामे की शूटिंग हो रही थी किसी और नहीं सी। उस सुबह सुबह का टाइम से उत्ते फजर ना तो मैं तो चीकां मारनिया शुरू कर दी वो सारे कट्ठे हो गए उन्होंने क्या यार मिर्जा साहब वास्ते ना टिकट ना बंदोबस्त करो फौरी तौर पर तो इतफाक नाल संडे पूरा लंडन बंद सी कोई भी एयरलाइन ना दफ्तर नहीं खुलिया सी नहीं टिकट मिले। और फिर मैं मेरे भाईजान इतने सन भी हूँ डैथ हो गई और अल्लाह जिन्हें नसीब करे वह फिर मेरे नाल टेलीफोन से लम्मा पूरा दफनाने तक रेन कि हम असं यह जनाजा उन्हें लैके जा रहे हैं उन्हें दफना रहे हैं वीडियो कॉल करके फिर तो यह जरा ना जी नहीं भुलना सारी जिंदगी कि मैं पूछ नहीं सकिया अपनी वालदा ने उसके। मिर्जा साहब ये दसो कि तुसा माशाला एक बड़ा जबरदस्त गोल्डन टाइम तकिया भी आ तकने भी हो पे शोभा अदाकारी ना तो तुसा की देखा देखी तुसा नहीं अगली नसल तुसा ने बेटे बच्चे भांजे भतीजे कोई होर भी आया इस शोभे विच तुसा ने करूं फिलहाल तो हाले तो नहीं है कोई भी बेटे मेरे थोड़ा जा हो गया सी शो जो होश ड्रामा एक PTV इस्लामाबाद तू चलना जो छोटे बच्चे चार बिछड़ जाने माँ को उसी जो जेब कुतरे वाला सी उसने रोल किया तो स्कूल पढ़ना सी तो फर्स्ट आना सी सैकंड आ जाना सी फर्स्ट नहीं कोशिश करना सी जिले उस ड्रामा किया कुछ 6 किस्त ऐसी हो तो ड्रामे तो बाद जो उसका इम्तिहान होया तो स्कूल ने मैं मिकी बुला बुलाई किया कि आओ छो जी रिजल्ट दिखो तो 24 नंबर से 23 नंबर से मैं ओहो ये ड्रामे तो गया इसने तो पढ़ाई रहा जी छोटा भी सी लेकिन उसने थोड़ा बहुत शौक आया सी फिर फारूक साहब एक दो ड्रामे जसा छोटे छोटे भी रोल कराए सन मैं इसने अगर वो जल्द बाकी उसने क्या बच्चे मेहनत करो ऐसा बनो कि फिर तुसा डिमांड बन जाओ तो फायदा इसी अदरवाइज इसी बहुत रोला है इस काम में बड़ी मेहनत करनी पैनी बड़ा टाइम देना पैना ए 2-3 दिन हो गए कराची तू पार्टी आई फुटबॉल तो बढ़ा रहे कि बेटी फुटबॉल खेलने तुसा रिश्ता त्रोड़ देने कि फुटबॉल खेलने दिए वो मेरा बेटा आना जी मैं आसा फैसल कुरैशी साहब आए सन कराची मेरे सीन भी उन्होंने ली सन वो मैं चल आ जा सैदपुर ग्रांच सी वो घर दस्या सी ने मेरा तो वो फिर आया तस्वीर शीर बनाई बस हूँ उसका शौक इतने तक ही रह गया बस कि बस ठीक है ठाकुर साहब आने अल्लाह उन्होंने खुश रखे बड़ी मुहब्बत कर रहे फिर मेरे घर ही ठहरने सुबह जो फारूक साहब रिकॉर्डिंग तो बुला ना जी ठाकुर इफ्तार ठाकुर साहब वो मेरे घर ही ठहरने फिर वो सारे बच्चे मेरे तो सारे हिले वाइफ भी बच्चे भी तो बस वो रहने तो दिल से खुश हो जाना बस इतने तक ठीक है मैं ठीक है। अच्छा शबीर मिर्जा अगर आर्टिस्ट ना होने तो फिर क्या होना आर्टिस्ट यानी फुल स्टॉप लाई छोड़िया तुसा नुक्ता लाई छोड़िया आर्टिस्ट ही होवां और कोई दूसरा शोभा नहीं कोई शोभा सारे
देखे मुलाजमत करके असी तो मतलब के जो आर्टिस्ट है जो किसी जगह भी एडजस्ट नहीं हो सकना अपने शोभे असं भावे भुखा रहे मीना उत्तर बैठा रहे तंग नहीं पैन लगा। एक मजे की गल और पूछा लगा आस्ता जी दसी छोड़िया ठीक है लेकिन दसनी सच्ची सच्ची ने छुपाने ही नहीं आने के ये बड़े खूबसूरती नहीं दुनिया है बाहरों पर्दा और दिसना तो अंदर पर्दा और दिसना तो बहुत सारे अदाकार जड़े वे उन्होंने इस शोभे अच्छी क्या मुहब्बत भी होनी सच्ची सच्ची दसी है तुसा की भी मुहब्बत हुई। बिल्कुल हुई ना जी मुहब्बत पहली मुहब्बत अपनी मां मां नाल हुई फिर जिसले शोभे बनिया ना तो बस इसे शोभे नाल मुहब्बत होगी सानू वाद अल्लाह वाद ने शायद ने कि मैं कोई मैंने पता नहीं लगा जवानी किस वे गुजर गई तो बुढ़े हो गए लोग आ रहे हैं यार तुसा वाल चिट्टे हो गए उस वेले भी जिसले बड़े से जवान से तो चिट्टे वाल करके तो बुढ़िया ने रोल कराने ना तो हूँ कोई अंकल आखा तो गुस्सा नहीं है ना नहीं कोई खूबसूरत हसीना भी अंकल आखा फिर भी नहीं, नहीं नहीं कोई गुस्सा नहीं मैं असं तो खुद जिते ड्रामे शूटिंग कर रहे कराची तू बच्चियाँ आई हैं तो बेटा बेटा करके पुकारी ना जी क्या करिए जी सानू नहीं इस काम की खूबसूरती है कि अगर मुहब्बत नाल कर सो ना अंदरों तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੋੜਨਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਆਏ ਲਾਈਵ ਗਏ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਤੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਹਰਸਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ एक्सपीरियंस कैसा सा और आज ने ड्रामे ने एक्सपीरियंस कैसा आया यानी आज सू 30-40 साल पहले अदाकारी करना कितना औखा सा तो आज अदाकारी करना कितना सौखा आया। अच्छा सवाल किया ने असी उस चीज़ ने आदि असी जड़े पुराने जितने भी लोग हैं ना जड़े उस दौर कर रहे वो उस उन्हें रिहर्सल तो बगैर आखने ड्रामा कर कंफ्यूज हो जाने यार के प्यार है कोई मतलब रिहर्सल ही कोई नहीं ना पढ़ के तकिया ना कुछ तुम हूँ तो यह ना कि सैट तो जाने तके ना जी है हाँ जी चलो जी करो जी के करना है ना डायरेक्टर पता होना तो ना एक्टर पता होना असी शुरू जी होनी सी ना जी रिहर्सल कम अज कम 10 दिन रिहर्सल होनी सी अगर सीरियल है उस तो बाद रिकॉर्ड शुरू उस तो बाद रिकॉर्डिंग शुरू होनी सी और तीसरी रिहर्सल प्रोड्यूसर जरा स्क्रिप्ट चाहिए किन्ना सी आना दे दौ तुसा की जबानी याद होना चाहिए जबरदस्त। अच्छा ये भी दसो कि आखिया जाना कि अगर तुसा अदाकारी करनी तो नाल पिछा तुसाने घर जड़ा वा ना वो पठवारी बहुत बड़ी जी एक मट्टी होनी जिसने भी दाने पे होने तो तुसा नहीं मट्टी जी ना दाने नहीं भरी होनी चाहिए तो इसी सदाकत ही बिल्कुल 100% सदाकत है कि तुसा कोल ही होने चाहिए सारे दाने पहले इसी जो मिल सन वो नाल नसीबा नहीं गल है ना जी इसी ते शौक बंदा मारे ही जाना सही। अच्छा हूँ थोड़ा जा प्रोग्राम अगे वधाने ये दसो कि तुसा उर्दू ड्रामे भी बहुत सारे किए हूँ भी करने हो पे तुसा पठवारी टैली फिल्मा भी कीतियाँ प्रोग्राम भी किए प्ले भी किए ज़्यादा मज़ा पठवारी भी आया कि उर्दू भी आया। पठवारी जिस वास्ते मज़ा आया कि वो साड़ी मादरी जुबान सी तो बहुत मज़े नाल कीता उस करके मज़े नाल तो उर्दू भी किया तो ठीक है लेकिन वो जरा फिर सारा उस तलफज ये वो उसना ध्यान रखना पैना बड़ा मतलब कि सोच समझ पटवारी तो फिर असा मादरी जबान मर्जी जो मर्जी बोली गई है। अच्छा हूँ भी जो मज़ा दोवे जबान आना माफी चाहना मज़ा दोवे जबान आना तुसा की जो कोई ड्रामे नहीं ऑफर अच्छी क्या सोची तो ड्रामा डिसाइड करने हो इनकार भी करने हो कि हर ऑफर तो ओके करी सकने हो नहीं नहीं हर ऑफर नहीं ओके करने हैं कि जरा कोई मतलब ना ड्रामा हो या ड्रामा मराद के रोल थोड़ा रजिस्टर होना चाहिए भावें दो ही सीन हो रोल रजिस्टर हो लोगों पता लगे कि बंदा करके गया कुछ तो उसका इंतजार भी कर पता नहीं फिर किस वेले आया इस रोल अच्छा होना चाहिए बेहतरीन। अच्छा अजकल अगर तकिया जाए कोई भी किसी भी शोबे विच अगर महारत रखना वह बाकियां कि नहीं सिखाना वो ये कोशिश करना कि कम अज कम हुक्मरानी इस शोबे च माड़ी टिकी रहे
मनोपली टिकी रहा है, अगर मैं अगले किसी की सिखाई छोड़ सा तो फिर माड़ा ना नहीं रह लगा। तो तुसा नहीं जिंदगी ना कह कुली आया, तुसा को भी जूनियर अच्छने हो सन, शागिर्दी भी अच्छने हो सन, कितना उन्होंने तड़पाने हो, कितना तंग करने हो, कितनिया उन्होंने जुतियां कसाने हो। नहीं तुसी गल की पहले जमाने च है सी, उसी पता नहीं पहले वक्त लोग नहीं सिखाने सुन या एक एवं मेरा ख्याल है एवं एक लोगों की गल ही बनी हुई ये ज़्यादातर मौसीकी उन्होंने सिखाने नहीं तो उन्होंने लेकिन वो जी पी कटने वो भी बड़ी जरूरी है ना ताकि इनकी कदर हो। एक चीज तुसा कि मैं तुसा चाहिए तो मैं ऐसा कट गया हलो जी हो गया तुसा आप सी मैं भी परेशान पे होना से एकदम मिल गई और एकदम मिलनी एकदम चली भी जानी। तो टैलेंट रिश्वत दे ही सकना कोई आखा जी मैं अग बड़ा पैसा है मैं फलां टीवी चैनल की देसा पैसे प्रोड्यूसर की देसा या किसी प्रोडक्शन ग्रुप की देसा तो मैं हीरो आ जासा पैसे ने बलबूते पर अच्छी सकना। नहीं सर कैमरा रिश्वत मंगना नहीं 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 कैमरा ही तो झूठ नहीं बोलना कैमरा और स्क्रीन झूठ नहीं बोलनी अगर असी भी तो एक अद भी वो साढ़े उस्ताद आखने नसलना के किसी बंदे नाल दुश्मनी करनी हो ना उस डायरेक्ट ही रोक ही नहीं चाहिए किनों अपने ड्रामे एक्सपोज हुई जैसी बस ना इंदा उस कोई हीरो लैसी तो ना वो काम करसी। तुसा स्टेज प्ले कीते बहुत घट बहुत घट क्या वजह पसंद नहीं आए या जो ट्रेंड है स्टेज शो ना स्टेज ड्रामे ना जरा वो नहीं पसंद सारे छोड़ गए असी भी पुराने लियाकत हाली किते नहीं एक दो मैं भी ड्रामे ते बाकी कवि साहब छोड़ गए सुहेल साहब छोड़ गए इन्हां दियां इस हरकतां दी वजह से डांस ये वो यानी फाशी नहीं होनी चाहिए सारे सीनियर छोड़ के चले गए। बाकी तुसी देखो कोई तुहानू पुराना या कोई उस्ताद किस्म ना एक्टर नहीं मिलना स्टेज ते सारे छोड़ के चले गए। अच्छा ड्रामा होना सी बहुत अच्छा कवि साहब ने असी बड़े बड़े अच्छे ड्रामे देखे बड़ा बड़ा कमाल का रोल सुहेल साहब का बड़ा तखिया तो हूँ इस वास्ते छोड़ के चले गए कि ये जी हरकत शुरू हो गई इस वजह तो। तो तुसा ने अपने पसंदीदा अदाकार कौन है अपने अलावा अपने आप की तरह हर बंदा पसंद करना अज ये दसो कि अपने अलावा तुसा की कैसी गल है कि एक्टर कदे भी अपने अपने काम तू मुतमिन भी नहीं होता तो पसंद भी नहीं करना कि यार मैं के कर दिता यार इस तरह कर लो मार इस तरह अपने कोई नहीं पसंद करना। तो बाकी सारे साढ़े पाकिस्तान ने सारे एक्टर बहुत जबरदस्त एक्टर ते उन्होंने तो कोई मुकाबला ही नहीं सर सारे चंगे लगे सब चंगे जेड़ा जेड़ा भी स्क्रीन ते आके काम करता है लगता है ये फिट है इसी हीरा ये फिट है। इसका मतलब है मिर्जा और अपनी दोस्तियां नहीं खराब करना चाहे एक किसी ने ना नहीं करना चाहे चलो कोई गल नहीं। अच्छा ये दसो मिर्जा जी के टैलेंट नहीं जिचर तक पजीराई ना वै कदर ना हो वै उसकी इनाम ना दिता गया तो आर्टिस्ट ने दिल च एक ख्वाहिश रहनी आर्ट नहीं तो कोई कीमत नहीं जितने मर्जी पैसे मिली जान लेकिन पजीराई असल तो यही है कि जो अवार्ड मिलसी प्राइज मिलसी तो तुसा की किस किस सतह पर अवार्ड मिले या कोई हाल दिल च ख्वाहिश थी कि फला अवार्ड या प्राइज मिले जो मेरी सारी जिंदगी नहीं जमा पूंजी वसूल हो गया सी। गल मिलना जी वैसे तो प्राइवेट सैक्टर तो बहुत लोगों ने अवार्ड दिते शील्डा दतिया सर्टिफिकेट दते पी टी वी मैं 2002 दिता सी पठो भी पटवारी के रीजनल प्रोग्राम बेस्ट एक्टर का जरा अवार्ड दिता सी मेरे उस आनर से टी वी के क्योंकि सरकारी से प्राइवेट सैक्टर तो दूई गल है कि अवार्ड असा की सड़क ते चलने हो गलियां चलने हो कोई खातून मिल जाए उस दिया दुआवां इस तू बड़ा केड़ा अवार्ड है खूबसूरत इस तू बड़ा कोई अवार्ड नहीं जिस गली जिस महल्ले जाने अगर ग्रां च किधरे जाइए तो सानू बहुत बुजुर्ग खातून मुलाकात होनी खातून बहुत बुजुर्ग जने सिरां ते हाथ फेर सन दुआ दे सन अल्लाह तुसां की जिंदगी दे इस तू बड़ा केड़ा अवार्ड। अच्छा ये दसो कि जदों तुसां रिकॉर्डिंग्स पर जाने हो असें सुने कि बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स होनी तीन तीन चार चार दिन लगातार तुसा रिकॉर्डिंग्स करने हो ड्रामिया विच ते मसरूफियत ना ये आलम होना कि सहने ना खाने ना रेस्ट करने ना घर आलिया ने रबता करने ना टाइम नहीं मिलना
ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਥੱਕੀ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਰਹਿਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਕਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਆਪਣਾ ਉਸਮਾਨ, ਉਸਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਫਾਰੂਕ, ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇ ਛੇ ਦਿਨ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੰਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੂਟ ਨੇ ਸੈੱਟ ਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਬਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦਰ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੱਕੋ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਠਵਾਰੀ ਬੋਲਣੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੋਲਣੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਛਨੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਫਿਰਨੇ ਹੋਵੋ, ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਫਿਰਨੇ ਹੋਵੋ, ਗਲਾਸਗੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਫਿਰਨੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਪਠਵਾਰੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਅਛਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਅਛਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅਛਨਾ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜਰਖਾਨੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾ ਗੁਜਰਖਾਨ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਗੋਸ਼ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਗੋਸ਼ ਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਿਕਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਸਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾਬ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬ ਹਾਂ। ਅਦੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਅਦੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਰਸਲ, ਫਸਟ ਰਿਹਰਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਵਾਬ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੈਪ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਬਹਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸੁਬਹਾ ਖਾਨ, ਸੁਬਹਾ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਅਬਰਪਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ, ਖੈਰ ਉਸ ਰਿਹਰਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਰਿਹਰਸਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਸਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੇ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਹ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਜਾਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਊਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਯੰਗ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂ ਆਰ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ।
फिर वो कहने लगा अच्छा वो आप वही है ना जो गेस्ट हाउस में टू वेरी फ्रैंक बी। वाह वाह वाह, उसकी वो भी याद वो भी याद सी। कितने अरसे तू बाद पूछ रहे हो? 15 साल तू बाद सर। इसना मतलब के ओवरसीज पाकिस्तानी जड़े वे वो पाकिस्तानी ड्रामे बड़े जौक शौक नल तक देखने। बिल्कुल मैं हैरान हूँ कि वो यंग आदमी बिल्कुल यंग स्टूडेंट लग रहे थे मैंने, तो मैं कह यार इस स्टूडेंट है वो जुमले याद हैं टू वेरी फ्रैंक बी ते कुर्बान शाह बाबा। हालांकि उस मेरा यंग टू ओल्ड करैक्टर सी, ये यंग होने तो फिर ओल्ड तो फिर दाढ़ी चिट्टी तो फिर वो सारा तो उत्थे लोग ओवरसीज ही दिखने ना जी बहुत मुहब्बत करने असी जाइए थे बहुत मुहब्बत करने। अच्छा ये दसो कि अज प्रोग्राम अपनी बैठक ही अच्छी के अपनेपन ने एहसास होया कैसा लगा? सर ये तो साढ़ा कल्चर ही है ना बैठक ना तो गप्पा मारने ना तो गप्पा मार के ते इतना अच्छा लगा कि मैं तुसें दस ना सकना कि एक तो यादा ताजा कीतियां। वाह जी। दूआ इस ना तो जवाब नहीं ना इस कल्चर ना ये पठवार ने तो बड़ा पठवार ने के पाकिस्तान है हर सूबे ने कल्चर बड़ा रिच है। इसमें अल्लाह करे कोई ऐसे आ जान लोग जड़ा इस पासे ध्यान देवन ते एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकने इस कल्चर ने प्रमोट करन ते दुनिया ते फैला देवन। बिल्कुल जी, साड़ी खिता पठवार नहीं रैतल जेड़ी है वो पूरी दुनिया की पता लगा है जनाब, पता लगे असा बाने नहीं मंजियां खट्टा पर सहने वाले लोग हैं। बिल्कुल हैं जी, कुकर बांगी खाने वाले लोग हाँ, कौडी खेडने वाले लोग हाँ, खेड तमाशे दानानी दौड़ मेले। हाँ जी बिल्कुल ते वो बड़ा पसंद करने लोग बहुत पसंद करने बाहर ते बहुत इवन अपने ते पसंद करने ही नहीं क्योंकि इत्थे वसने जे तू गए गोरे बड़ा पसंद करने कहने यार कितना रिच कल्चर है। तुसें की वाक्य सुनावा एवं छोटी जी गल है फारूक साहब इसने गोवा सुन फारूक अब्बास साहब नाल सुन एक असा उत्थे गोरे नाल मुलाकात हुई उस देख रहे हैं कि कोई पठवारी जी लगने ते उस पूछया पता नहीं खावर अब्बास साहब सन नाल इन्हों के भाई छोटे मैंने हाल उन्होंने को पूछा तो उन्हें कहा असी पठवार ते ड्रामा कर रहे हैं ते आने उस गोरे पूछा किस जगह तू आए हो उन्हें कहा रावल पिंडी। गोरा कहने लगा मैं तो चकलाला बड़ा अरसा रहा नौकरी करना से उत्थे मैं तो पिंडी जानना फलाना ये मैं उर्दू वैसे टूटी बूटी बोलना सी आने तुसी पठवार ने लागे जो हाँ जी पठवार ने आने पठवार ने कल्चर अगर तुसी पढ़ना चाहते हो ना तो लंडन ने अजायब घर कड़ा दस्या उत्थे कोई जड़ा है कहना उत्थे किताब पई ही है पठवार ने बारे च पूरी 1800 कुछ नहीं लिखी हुई यानी बड़ी पुरानी तारीख है बड़ी पुरानी तारीख सर उस क्या कि मैं पढ़ी हुई है वो गोरा कहना मैं पढ़ी है अंग्रेजी से और इतनी मोटी किताब है और पूरी पठवार ने कल्चर ते है जिंदाबाद। अच्छा ये दसो कि पुराने पठवार ने रैतल ते कल्चर सकाफत अज ने पठवार रैतल च क्या फर्क है? होए होए जिथे सीमट ते काली के कहने लुक पहुंच गई है ना जी इसने उलिए बगाड़ दिते तुसा नहीं आए हाय जड़ी है ना वो सारा दसी छोड़िया सारा दस ये सीमट ते लंटर ते वो कच्चे मकाना नहीं वो ते खुशबू ही हो रहा सर कदे वो जड़ी चक्की नहीं तुप 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 आली आवाज ही हाय हाय हुण केड़े गाने नहीं वो तो वलैतीए भी उठा के मिस कर दे ओ अल्लाह बस कोई बंदा ऐसा हो जड़ा ये ना सोसाइटियां की ग्रामों इजाजत ही नहीं होनी चाहिए सोसाइटियां बनाने की कितने रस हो रहा अपनी जमीन ते के करसो ते कितों आसी खुराक वो एक सोसाइटियां बना बना के उन्हें बेड़ा गर्क कर सटिया सड़क चली गई कच्चे असी तो थोड़ी टुरने वाले लोग हाँ कहने मिट्टी बड़ी नंगे पैर की बड़ी सेध देनी नंगे पैर आने मिट्टी फिर सड़क बना दी बिल्कुल आखिया जाना कि गोरे अपने बच्चे की थोड़ी देर मिट्टी खेडन देने भाई इन्ना नहीं सेहत बनसी सेहत इजाफा उसी। और मेरे दोस्त एक मिले इस बारे च वो भी कुड़ने रहने के जरा एक बड़ा सटे ने यार ग्रामा की के बड़ा इस ग्रां च ना वो हवावें रही पता नहीं
पेट्रोल मिक्स हो गया, कोई डीजल मिक्स हो गया, तो वो फ्रेश हवा नहीं रही। तो उस एक बंदे सुनाया शेर, मैंने सुनाया सी, तो मैं उस सुनाया, मैं क्या ये हालत हो गई है कि अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। आहा, क्या अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। ओए होए होए होए, क्या बात, कितनी गहराई है, कितनी गहराई है कि समझने लगते बस के करिए अगला वक्त यही आने लगे कि कतारा जी किसान भी कतारा ही खिलो के राशन ले सो। वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात। ओ दाना साहब, अख्तर इमाम साहब ने एक शेर मैंने याद आ गया, खिताए पटवारनी अजीम शख्सियत, पटवारनी अजीम शख्सियत। वाह, चलो इसे बने उन्होंने जिक्र आ गया, उन्होंने जिक्र होना चाहिए यार पटवार ने प्रोग्राम। पटवारी ना जिक्र वै तो उन्होंने ना वै ना वै, बड़ी ज्यादती होसी कि जितनी जंग उन्होंने पटवार हस्ते कीती ना जी, ड्रामे पटवारी ड्रामे हस्ते जी, वो साढ़े सामने है, असी इतने तो नहीं है, छोटे जे पुरजे हैं, लेकिन उन्होंने नाल नाल ही रहे हैं। क्या आज इस जगह बैठे हैं पटवार ने बारे च गल पे कर रहे, तो उन्होंने एक शेर है कि हाय हाय भूख बोई गई है आपके बरस, भूख बोई गई है आपके बरस, दांत उगाए हैं जमीनों में, जिंदगी गांव की हसीन लड़की, जिंदगी गांव की हसीन लड़की गिर गई है तमाशबीनों में। ओए हाय, क्या बड़ी गहरी गल, बहुत गहरी गल। हो ते अख्तर इमाम साहब ते फल्ला एक एहसास शख्सियत से, क्यों उन्होंने फिर एक शेर याद आ गया, उफ मेरे रोंगटे खड़े हो जाने, जिन्हें मैंने आ गया याद, तुसने बैठे हो अख्तर साहब ने जिक्र हो गया, तो वो शहर गया पुत्रा दियाँ मावं डीकन कोरियां आखियां, डीकन इंतजार करन आए हाय कोरियां आखियां, शहर गया पुत्रा दियाँ मावं डीकन कोरियां आखियां, शीशे उत्ते टंगे पड़ गए, पड़ नहीं जाना कपड़ा फटी गए, शीशे उत्ते टंगे पड़ गए सेरे शगन वाले। आए हाय हाय, उस मां की क्या कैफियत होसी जिसना पुत्र ही चला गया, शहर नहीं रोशनियां गुम हो गया। आए हाय, आज तुसा यकीन जानो कि पूरा पटवार याद कराई सटिया, बस खेत खलियाना तू कि नहीं ते ए उडीकनी मां जेडी ओवरसीज पाकिस्तानिया की भी उडीकनी, एक देश एक ग्रां, कोई कलर बैठी, कोई गुजर खान मां बैठी, कोई जेलम बैठी, कोई मीरपुर डडियाल बैठी हुई, तो इस नाल दिल तो करना पे कि गल्ला करने ही रही है, करने ही रही है। दाना साहब ऐसी नबस छेड़ दीती ना मेरी, बस मैं बड़ी दफा याद करना ते उन्हें कि खराज तहसीन ही पेश करना, और उदास भी होना कि यार वो सचियां गल्ला आज 10-12 साल पहले कह गए जड़ी हूँ भी होनी है ना, कितने वो बाखबर लोग सर। क्या क्या समीन अज नहीं किस्त और नशिस्त ना वेला तोड़ चढ़िया, और बड़े भारी दिल नाल मिर्जा जी लोगों के इंसान इजाजत दिल तो करना पे कि गल्ला होनिया रहन, लेकिन साड़ी ये मजबूरी है कि वेला कदे किसी ने हाथ नहीं आया, तो मिर्जा जी साल गलबात करी के बड़ा चंगा लगा, बहुत चंगा लगा, और प्रोग्राम अपनी बैठक की तुसा वेला दई टाइम कड्डी ते यकीन मनो कि साड़ा जड़ा सेहरा वो फखर नाल बुलंद करी छोड़िया। दादा साहब तुसा ने बहुत बहुत शुक्रिया कि मिकी बैठक च बुलाया ने, बड़े अरसे बाद बैठक च बह के मजा आया। क्या बात है, ये बैठक इस तरह शादो आबाद रहन, एक खिताए पठवार, इस सोना पाकिस्तान, इसने वसनीक ओवरसीज पाकिस्तानी, जिथे जिथे वसने असने रहो तो वसने रहो, जिंदगी साथ दिता सामा वफा की, इसे थां इसे वेला इसे अपनी बैठक च मजीद इे जे सोहने सोहने नगीनिया नाल ते धरती ने तारिया नाल तुसानी मुलाकात कराने रहसा। अपने खातिरदार दानिश अकरम राणा ते साड़ी पूरी टीम की दियो इजाजत, अपना ते सोने देश सोनी धरती ते जिथे वसने उसना बहुत सारा ख्याल रखे, वे अल्लाह सोने ने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद।